हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? ओके, सो यू मस्ट बी वंडरिंग कि निधि ने जो है मास्क क्यों लगाया हुआ है. सो दैट इज़ बिकॉज मैं भी रूम में थी ना, नाउ आई कैन एक्चुअली रिमूव इट. मैं रूम में थी एंड इफ यू गाइस डोंट नो, मेरे को कोविड हुआ था. तो इसलिए जब डुक्कू मेरे आसपास होता है या फिर मैं किचन में काम कर रही होती हूँ तो आई एम वेयरिंग मास्क ऑल द टाइम, सो दैट यू नो अगर अभी भी बचा है कहीं वो वायरस तो वो निकल जाए. इट्स एक्चुअली 6:30 इन द मॉर्निंग और धूप देख रहे हो कितनी तेज़ हो रही है, साथ के साथ ठंडी हवा भी चल रही है. आई एम डूइंग अ लॉट बेटर, लाइक हल्की सी आवाज़ में अभी भी भारीपन है. इट्स बिन 14 डेज नाउ, आज 24 तारीख है. मुझे 10 तारीख से फीवर आ रहा था, लाइक लगातार नहीं आ रहा था, 10 से लेकर के 14 तारीख तक मुझे फीवर आया है. बस उसके बाद फीवर नहीं आया. सो आई विल शेयर क्या सिम्टम्स थे, क्या सब कुछ था, वो एक सेपरेट वीडियो में मैं शेयर करूँगी. आज मैंने सोचा कि आज मैं अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर कर दूँ क्योंकि इस वक्त बाकी सब बीमार है मेरे घर में एंड दे आर रिकवरिंग, भगवान की दया से दे आर रिकवरिंग एंड आई एम डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क. आई नो दिस इज लाइक अ फेज एंड इट विल गो अवे, बट येस आई थॉट ऑफ जस्ट टेकिंग यू अराउंड, शोइंग यू वट इज़ हैपनिंग, वट इज़ नॉट हैपनिंग. And yes, just a general another day vlog. धूप काफ़ी अच्छी है, थोड़ी देर धूप ले लेते हैं बिकॉज लगता है मेरी हड्डियाँ कमज़ोर हो गई हैं. आज मैंने सोचा था मैं बालकनी में थोड़ा टाइम स्पेंड करूँगी बिकॉज सीरियस बात है, हड्डियों में वाकई में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और बालकनी की हालत ना बहुत ही ज़्यादा ख़राब है. लेट मी शो यू. ये देखो, रोज़ आंधी आ रही है, रोज़ तूफान आ रहे हैं, अभी बहुत तेज़ हवा चल रही है एंड बालकनी में इतनी ज़्यादा धूल हो रही है कि मन भी नहीं कर रहा बैठने का. मैं फटाफट से झाड़ू लगाऊंगी, घर में भी झाड़ू लगा लूंगी, पोछा कर देती हूँ क्योंकि यू नो डिसइंफेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अरे नॉब, सारे दरवाजे, सब कुछ ना मैं डिसइंफेक्ट करती हूँ रोज़, जिससे कि यू नो सी वी डोंट नो कि बाकी लोगों को क्या हुआ है, हो सकता है सीजनल फ्लू ही है. क्योंकि मेरे हस्बैंड जो अभी तो वो काफ़ी बेटर हैं, उनको फीवर नहीं आया है कल से एंड मदर इन लॉ को भी फीवर नहीं आया है कल से, तो फादर इन लॉ तो ठीक हैं ही और द गो इज़ फाइन. तो इसीलिए डिसइनफेक्ट फिर भी मैं कर दे रही हूँ क्योंकि मैं काम कर रही हूँ एंड मुझे तो पता है कि मैं पॉजिटिव हूँ एंड आई एम वॉशिंग माई हैंड. लाइक विश्वास नहीं करोगे, मैं दिन में ना कम से कम नहीं तो कुछ नहीं तो आराम से 25 से 30 बार हाथ धो रही हूँ, 25 से 30 बार हाथों का बैंड बजा हुआ है इस वक्त. सो या आई जस्ट क्विकली क्लीन द बालकनी, थोड़ी देर हम यहाँ पे बैठते हैं. खिचड़ी मैंने चढ़ा दी है बाकी सब लोगों के लिए, बट क्योंकि हवा चल रही है ना, आप आसमान देख रहे हो कितना ज़्यादा साफ है एंड लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि निधि आप कौन से फ्लोर पर रहते हो, तो आई लिव ऑन 16th फ्लोर. जस्ट लुक एट हाउ ब्यूटिफुल द व्यू इज़ एंड मैंने स्किन केयर नहीं किया है पिछले 15 दिन से, बट स्टिल माई स्किन इज़ डूइंग सो मच बेटर, टच वुड. तो ब्रेकफास्ट में मैंने बनाई थी खिचड़ी, ये जो है ये सबके लिए थी, लाइक बाकी लोगों के लिए. डुगू के लिए मैंने अलग से पैनकेक्स बनाए थे, बाकी लोगों के लिए बनी थी खिचड़ी. ओके, सो मैं पोछा लगा रही हूँ एंड आई बीइंग अ लेजी एस, दिस इज़ हाउ आई डू इट. तो मैंने 3 टब्स रखे हुए हैं, एक में मैंने साफ पानी भरा हुआ है लाइक नॉर्मल पानी, उसमें मैं पोछा लगा के आती हूँ तो पहला वॉश उसमें करती हूँ, देन जो दूसरा बकेट है उसमें मैंने भरा हुआ है फिनाइल वाला पानी जिससे मुझे बार बार पानी फिलाना ना पड़े. तो मैं पहले क्लीन वाटर में डालती हूँ, फिर फिनाइल वाले पानी में, और फिर मैं डालती हूँ ड्रायर में. ये जो है इसी का ड्रायर था एंड फटाफट से ये ड्राई हो जाता है, सूखा सूखा पोछा लग जाता है एंड दैट इज़ हाउ आई डू इट. यस आई नो आई एम इजी. आज डुगू की छुट्टी है ना, पर डुगू बेचारा जल्दी उठ गया, उसको पता नहीं था कि अभी 8 भी नहीं बजे हैं. है डुगू,
देखो ऐसे सोता है ये, उधर तकिया लगा के, इधर सारी तकिया लगा के, बीच में डुगू अकेला बेचारा है। डर लगा था रात को, मैं तो जग रही थी। क्या क्यों डरते हो, इतनी सारी तकिया लगा के तो सोते हो, तो डरते क्यों हो? कैसी हालचाल है? अच्छा दे रही हूँ। हाल चाल कैसे हैं बताओ पहले। बुखार तो नहीं आया रात को? आज मुझे हो गए 14 डेज, तो आज हो सकता है मैं और डुगू हग करे। है डुगू, है, आर यू एक्साइटेड? बेचारा 15 दिन से, लाइक 10-14 दिन से ना मुझे हग किया है उसने, ना दादा पापा को हग किया है, किसी को बेचारे ने ना हग किया है, ना किस किया है। तो बेचारा मेरा बच्चा है। ऑलराइट गाइस, आई एम इन माई बाथरूम राइट नाउ। मैं एक्चुअली हेड वॉश करना था बिकॉज आई हैड माई पीरियड्स अभी पीछे, सो आई थॉट आई जस्ट वॉश माई हेयर, बट उसके पहले आई जस्ट ऑयल देम बिकॉज यू नो काफ़ी वीक हो गए हैं, एंड फॉर दैट आई विल बी यूजिंग मामा अर्थ का राइस हेयर ऑयल। दिस इज आई थिंक अ न्यू लॉन्च, ये रिटेल करता है 399 रुपीज़ का, एंड वी ऑल नो दैट यू नो राइस वाटर, राइस इन इट सेल्फ इज़ वेरी वेरी गुड फॉर योर हेयर। इसमें कोकोनट ऑयल भी है, एंड दिस इज मिनरल ऑयल एंड सिलिकॉन फ्री, एंड इट इज टेस्टेड बाई डर्मेटोलॉजी, एंड इट इज टेस्टेड बाई डर्मेटोलॉजिस्ट। सो आई विल जस्ट अप्लाई दिस। मैं एक बार और इसको पहले यूज कर चुकी हूँ व्हेन आई रिसीव इट बिफोर गेटिंग सिक, एंड आज मैं इसको फिर से यूज करूंगी। इट ऑल्सो कम्स विद द शैम्पू एंड अ कंडीशनर, एंड एक बार मैं उसको भी यूज कर चुकी हूँ। सो आई विल बी वॉशिंग माई हेयर विद डैट, क्योंकि बीमार पड़ने से पहले वॉज द लास्ट टाइम व्हेन आई यूज ऑल ऑफ दीज थिंग्स, एंड उसके बाद से मैंने बालों को बिल्कुल भी आई हैव नॉट टेकन केयर ऑफ, एंड दिस इज लाइक रियली गुड। आई फील ऑयल इन जनरल इज वेरी वेरी गुड बिकॉज मैंने पिछले 3-4 महीने से काफ़ी ऑयलिंग करना स्टार्ट किया, एंड इफ़ यू कैन सी मेरी जो हेयर लाइन जो पीछे की तरफ चली गई थी वो यू नो काफ़ी सारे न्यू हेयर आ गए आगे की तरफ। आई डोंट नो इफ यू गाइस कैन सी दैट और नॉट, बट पिछले 3-4 महीने से जो मैं ऑयलिंग कर रही हूँ उसकी वजह से बहुत फ़र्क पड़ा है। सो ऑयल इज़ वेरी 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 नेसेसरी, मेक श्योर कि आप ऑयल्स यूज कर रहे हो। आई इफ यू वांट टू ट्राई दिस वन आउट, आप मामाअर्थ से शॉप कर सकते हो, एंड यू कैन यूज़ माई कोड निधि 2021 टू गेट एक्स्ट्रा 20% ऑफ। लेट मी जस्ट शो यू इसका शैम्पू और कंडीशनर, इट्स जस्ट राइट हियर। So this is the conditioner, the rice water conditioner, and this is for 349 rupees, and this one is the shampoo, aur ye bhi 349 rupees ka hi hai, and I like the shampoo, it's like बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे राइस वाटर को जेली फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया हो ना, बिल्कुल वैसा सा इसका टेक्सचर है। सो ये है मामा अर्थ का राइस वाटर शैम्पू, इसमें राइस वाटर है और केरेटिन है, एंड केरेटिन एज वी ऑल नो इज़ ग्रेट फॉर योर हेयर। आपके बालों को स्मूथ बनाता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है, ग्रोथ को इम्प्रूव करता है। सो ये जो कंप्लीट रेंज है मामा अर्थ राइस वाटर के, इसमें राइस वाटर है और केरेटिन है, जो कि आपके बालों में अगर कुछ डैमेज है उसको रिपेयर करने में हेल्प करेगा। आई रियली लाइक द ऑयल एंड द शैम्पू, इट्स रियली रियली गुड। सारे के सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड हैं, दे आर पैराबेन एंड सिलिकॉन एंड SLS फ्री, विच इज़ ग्रेट। एंड जो कि सबसे ज़्यादा एक्साइटेड मैं जिस बात के लिए थी ना इस पूरी रेंज में, इज़ बिकॉज कि राइस वाटर के साथ साथ इसमें केरेटिन भी है, तो आपके बाल बनेंगे लॉन्गर, स्ट्रॉन्गर, स्मूदर एंड शाइनर। एंड दिस इज़ द टेक्स्चर ऑफ द शैम्पू, बिल्कुल ऐसा लगता है कि राइस वाटर को जो है ना जेल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, इट्स रियली नाइस। एंड मामा अर्थ इज क्रुएल्टी फ्री, दैट वी ऑल नो, एंड दे हैव सो मच ऑफ गुडनेस इन साइड देम। दे प्लांट अ लॉट ऑफ ट्रीज, सो जब भी आप मामा अर्थ से कुछ भी ऑर्डर करते हो तो आपका ऑर्डर एक्चुअली में ट्री या प्लांट के साथ में लिंक कर दिया जाएगा, एंड दे आर प्लानिंग की 2025 तक वो 1 million+ ट्रीज प्लांट कर सके, विच आई थिंक इज अ ग्रेट ग्रेट इनिशिएटिव। So I will be using the whole range today, and I will update you guys probably next month, because almost हर month में एक नया product है कि product try करती हूँ, so I will update you about this next month। एक और चीज़, a lot of you guys always ask me कि मतलब hair oil है तो growth होगी क्या, या serum है तो growth होगी क्या। So oils will always help कि आपके hair fall रुके,
एंड आपकी हेयर ग्रोथ बढ़े, बिकॉज यू नो आपका ब्लड सर्कुलेशन स्टिमुलेट होता है. वहीं सीरम्स जो है वो आप लेंथ पे अप्लाई करते हो तो कभी भी ग्रोथ स्टिमुलेट नहीं करेंगे. वट दे कैन डू इज कि आपके बाल टैंगल अप ना हो, और टैंगल होने की वजह से जो हेयर फॉल होता है वो ना हो, एंड आपके स्प्लिट एंड्स वगैरह ना हो. सो सीरम और ऑयल बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, करते हैं, एंड आप सीरम और ऑयल दोनों एक ही रूटीन में यूज कर सकते हो. आई होप आई एम मेकिंग माई सेल्फ वेरी क्लियर. सो यस, आप ऑयल कोई भी यूज करो, सीरम कोई भी यूज कर सकते हो, बोथ हैव वेरी डिफरेंट फंक्शंस टू परफॉर्म. एंड आई बिलीव कि अगर आप हेयर केयर कर रहे हो ना, देन ऑयलिंग इज द फर्स्ट थिंग. आप ऑयल या मास्क को अदल बदल कर सकते हो. सो वन वीक आप ऑयल कर लो, वन वीक आप मास्किंग कर लो, ऐसे कर सकते हो. सो ऑयलिंग एंड देन उसके बाद आपका शैम्पू कंडीशनर आता है, एंड देन आप सीरम यूज करते हो, सो देन आपके बाल टैंगल अप ना हो, स्प्लिट एंड्स ना हो. सो दिस शुड बी योर रूटीन, ठीक है? बिकॉज आई गेट अ लॉट ऑफ क्वेरीज इन द कॉमेंट सेक्शन कि अरे आपने अभी ये ऑयल यूज किया, आप ये सीरम यूज कर रहे हो, बट ऑयल एंड सीरम दोनों काफी डिफरेंट होते हैं, ठीक है? इट्स टाइम नाउ टू मेक सम ब्रेकफास्ट फॉर डुगू. तो डुगू को मैंने पहले भी बताया था ना, हमने पैनकेक्स बनाए थे, एंड ये एक्चुअली जो पैनकेक वाला बॉक्स आता है ना, उसी से मैं बना रही हूँ. दे आर रियली गुड एंड ही इज़ ऑलवेज एक्साइटेड टू ईट सम पैनकेक्स. तो एक मैंने डुगू के लिए बनाया था और एक अपने लिए बनाया था. बिग बास्केट से सामान है, आई ऑर्डर दिस वनीला चीज केक. इट्स रियली रियली गुड, मतलब बहुत ही बढ़िया बोल रही, बहुत ही सही है ये. अरे 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 अरे, बस 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 बस. आप क्या कर रहे हो अभी? अभी कबूतर को पानी दिया है. कबूतर को पानी दिया है, बहुत अच्छा काम किया आपने. समर्स में कबूतरों को प्यास लगती होगी ना? तब तुम भगा दोगे उन्हें? नहीं, रिजल्ट देखना चाहते हो? ओके, अगर वो तीन लगे पानी तो मैं डेली दूंगा. ओके ठीक है, वेरी गुड. दूर 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 दूर. ओके गाइस, तो मैं नहाकर आ गई हूँ, बाल बाल धो लिए मैंने, हेयर फील्स नाइस, आई फील नाइस, आई फील क्लीन. एंड अभी मैं सिर्फ मॉइस्चराइजर और हैंड क्रीम वगैरह अप्लाई करूँगी, एंड दैट इज़ इट, दैट्स इट. इट फील्स नाइस ना, नहा करके बड़ा अच्छा लगता है. राइस और लंच वगैरह भी हो चुका है अभी, और मेरे को बस किचन समेटनी रह गई है. तो कुछ बर्तन वर्तन है एंड दूर 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 दूर, दूर. तो अभी किचन पूरी बिखरी पड़ी हुई है, बस मैं फटाफट से इसको समेट दूँ एंड फाइनली मेरा दिन का काम निपट गया. राइट, ऑल राइट यू गाइस, फाइनली काम निपट गया सारा. एंड यस, दैट्स माय मॉर्निंग रूटीन. आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा. लगा है तो मेक श्योर कि वीडियो को आप लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर देना. स्टे सेफ, स्टे एट होम, एंड आई जस्ट होप कि सब लोग अच्छे से रहें, किसी को कुछ ना हो, एंड ये कोरोना जल्दी से ख़त्म हो जाए. सो जस्ट स्टे होम, स्टे सेफ, एंड आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर, बाय.